श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्धा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। ज्यादा कठिन बात बताते हैं श्रील प्रभुपाद, बहुत सिंपल है, आप करके जाएंगे। ज्यादा व्याख्या करने के लिए देखा नहीं, कुछ छोड़ को पाता है, पुराना बातें हैं। हाँ, लेकिन कुछ स्वर अब याद करने का कोशिश करना। कुंती वाच नमस्य पुरुषम तद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलखं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती जो उवाच ये संधि विच्छेद में ई क्यार के बाद वो आते हैं तो यो फला हो जाते हैं। कुंती जो तो कुंती उवाच, तो कुंती देवी उनको कृष्ण के बुआ जी फिर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पुरुषम भगवान परम पुरुष, और इतना ही नहीं अद्यम आदि पुरुष है, और उन्होंने ईश्वर है, इसलिए नहीं भातीजा का प्रणाम करा, इसलिए नहीं, भातीजा हो सकते लेकिन पुरुष है, परम पुरुष है, ईश्वर है। और प्रकृत परम, प्रकृत परम होता भौतिक ब्रह्मांड के परे है, जिद भी उसे, लेकिन अलख सब होते हैं, सारे जीव जानते नहीं कृष्ण इस तरह है। जिद भी उन्होंने अंतर बहिरावस्थित, बाहर में अंदर में दोनों जगह रहते। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हे आप, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निलिप्त रहते, और आप समस्त वस्तु के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। श्रीमती कुंती देवी तो भली बात ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही हुए उनके भातीजे लगते थे, इसे प्रबुद्ध महिला अपने भातीजे के नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, लेकिन वे न तो आदि है न उच्चित, जीवात्मा भी दिव्य है लेकिन वह आदि नहीं है, अच्युत भी नहीं है। अच्युत अर्थात जिसको पतन नहीं होता है, लेकिन जीव के पतन होते हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चुंगल में पड़कर नीचे गिर सकता है, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं होते, अच्युत है, इसीलिए कृष्ण का नाम है अच्युत। अतः वेद में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्य नित्यना चितना चितना ना, तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। ईश्वर प्रकृति परम, जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वही परमेश्वर या परमात्मा है, वह अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहता है। युद्ध भी हुए श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भातीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा उन सब के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है, समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ क्योंकि मैं वेदों के संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। भगवद गीता का 15-15। रानी कुंती पुष्टि करते हैं कि यदि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है तो भी वह अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महाराज कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण
उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वो स्वयं असमंजस थी कि कृष्ण सर्वज्ञ या स्थानीय है। आश्चर्य की बात है ना, कृष्ण इधर मेरे समुद्र में खा रहा है, फिर तो गर्भ में प्रवेश किया, तो ये क्या सर्वव्यापी है क्या ये व्यक्ति? ये व्यक्ति कृष्ण की कृष्ण अलग कुछ है, वस्तु तो ये दोनों ही दोनों है, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट नहीं। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कह लेते हैं, और यही भी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रण करते हैं। इसकी व्याख्या आगे शुरू करते, क्यों नहीं देख पाते हैं अंतर बहिर्वस्था, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि भगवान माया जवनिकच्छन्न जवनिगत पर्दा, सिनेमा जब देखते पर्दा लगाते हैं पर नहीं देखा जाता, भगवान की माया की तरफ पर्दा के दिखाते, माया जवनिका अच्छन अज्ञा अदक्ष न लक्ष्य से मरु दिशा नट नक्ष जाते। भगवान को क्यों नहीं सोचता है? माया जवनी का अच्छन्नम, भगवान माया रूप एक पर्दा का ढका रहता है, इसीलिए अज्ञा अज्ञ व्यक्ति ये अदक्ष भगवान को जिन अव्यय है उनको समझ नहीं पाते। न लक्ष्य से मुरु दिशा, जो मुरु व्यक्ति नहीं देख पाते, क्यों? नाटो नाट्य धारण देता, नाटक में आदमी जिस तरह ड्रेस चेंज करके आते हैं तो पता नहीं चलता है, पहचान नहीं चलता वो कौन है। उसी तरह भगवान को नहीं पहचान पाते, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप माया शक्ति के पर्दे से ढके रहने शाश्वत अव्यय तत्व हे कृष्ण, आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस पर अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पसंद में नहीं आते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, और इस प्रकार वे लोग का उनका उपहास करते हैं। यह बात इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे है जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, ऐसे व्यक्ति उचित है, असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम निशिंग वराह ये अपने मूल स्वरूप कृष्ण के रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं, तो वे उसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव। जबकि हम इस महान ग्रंथ में दशम स्कंद देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपने माता में गोद में थे। उन्होंने उस पुत्र राक्षसी को बात किया जो अपने स्थानों में विष पोत कर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक के भांति उसका स्तन पान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है। वही वृंदावन वासियों की को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कोई दिन तक उठाए रखे, ये भगवान की कृतिपा उत्तम निवेद कार्यकलाप है जिनका वर्णन पुराण इतिहास तथा उपनिषद में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक तेगी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर देखे। व्यास, देवो, लोशी, नारद, मध्य, शंकर, रमन, जज, श्री चैतन्य महापुरुष, जीव गोस्वामी, विच्छिन्न चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा में कौन प्रामाणिक महापुरुष ने
उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थल पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी असली मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है, या कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर मूर्ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों को आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्होंने पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपने अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक के समान है, वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं। विज्ञानी लोग सब कुछ उनके ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जाना नहीं संभव होता है, असंभव। इस तरह अब लाल चश्मा पहनेंगे सबको लाल देखेंगे, काला चश्मा पहनेंगे सबको काला देखेंगे। उसी जब हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रिय से जो कुछ देखेंगे सब अपूर्ण ही देखेंगे। जब इंद्रिय अपूर्ण है तो अपूर्ण इंद्रिय से कैसे पूर्ण भगवान को देख सकते। इसका हम पूर्वत का ग्रंथ बहुत बार, कौन सा इंद्रिय पूर्ण है? हम ज्ञान पांच इंद्रिय से कर सकते, आंख कितना दूर देख सकते, कान कितना दूर सुन सकते, नाक कितना वस्तु ग्रहण ले सकते, जिह्वा कितना दूर जान सकते, त्वचा कितना अनुमान कर सकते। तो पांच इंद्रिय है सब त्रुटिपूर्ण है, वो गलत भी दिखते हैं। आंख में सूरज को देखते हैं लेकिन सूरज इस तरह नहीं है, देखते हैं दो रेल लाइन का पट्टी एक साथ लग गया वो लगा नहीं है, तो आंखों में जो देखते वो भी गलत लगा। तो फिर विश्वास करें किसी, कोई साउंड हो रहा है चित्कार चाचा में जो हो रहा है मतलब मारपीट हो रहा है, आप अंदर में जाके देखो कोई सिनेमा का रिहर्सल चल रहा है, तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। इसलिए अपूर्ण इंद्रिय से भगवान को नहीं मिल सकते, इसलिए भगवान का नाम अधक्ष है, अर्थात अध अक्ष जो हमारे इंद्रिय से उनको पहचान नहीं सकते, इंद्रिया के परे है, इंद्रिय अनुभूति के परे। हमारी सारी इंद्रिया अपूर्ण है, हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तु देख सकते हैं, कि आप भगवान देखा सकते इस तरह कोई भी चैलेंज भी करते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थिति में ही वस्तु को देख सकते हैं और वही हमारे वश में नहीं होता। क्या अंदर में देख सकते हैं? जोंडिस होता है तो मिस्त्री को करवा लगते हैं। इसीलिए भगवान इंद्रियों से भगवान को नहीं जानते। महाराणी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। महाराणी कुंती बोलते मैं तो अल्पज्ञ महिला हूँ, मैं कैसे जान सकती, तो बार बार ज्ञानी लोग नहीं जा सकते, मैं कैसे जान सकती। अल्पज्ञ लोग के लिए मंदिर मस्जिद या गिरजाघर जैसे वस्तुओं का आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान को सत्ता को पहचानने तथा ऐसे पवित्र स्थल में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण कर सके। अल्पज्ञ के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मुख्य लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं। जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुण के मानदंड के ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञ के लिए मंदिर मस्जिद या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्त के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। यह बात कुंती महाराज बोल रहे हैं, जो महान महान मनुष्य नहीं जान पाता है, मैं एक स्त्री को कैसे जान पा सकता। तथा परमहंस नाम मुनि नाम अमलात्मा
भक्ति जग विधानार्थ कथम पुष्य महिस्त्री। कुंती कहते हैं कृष्ण आप उन्नत अध्यात्मवादी तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध वाने विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवते हैं। तो फिर हम स्त्री आपको कैसे इस तरह पुनर्जान सकते हैं। हे भगवान आपको परमहंस नाम जो परमहंस व्यक्ति अत्यंत उन्नत अध्यात्मवादी जो मुनि है कौन मुनि है अमल आत्मा नाम जिसका अंदर सच है वो भक्ति योग के माध्यम वो केवल आपको जान सकते। तो मैं एक साधारण स्त्री होकर कैसे आपको जान सकते। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषद में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वह महान विद्या या महान तो मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस प्रकार उनकी कृपा हुई है। भगवान की कृपा से तो भगवान को नहीं देख सकते। सूरज का प्रकाश सबके सूरज को नहीं देख सकते। सूरज का प्रकाश नहीं होगा सूरज को देख सकते नहीं देख सकते। इसी तरह भगवान का कृपा से ही केवल कोई भगवान को देख सकते। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहे कोई अज्ञेयो अज्ञेयो ही रहते हाँ कोई नहीं जानता। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है जो एक अवध स्त्री की भूमिका निभा रही है। इसलिए सामान्य रूप से दार्शनिक की भांति दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती। एक महिला एक बदमाश पुरुष को भी पत्नी बनकर के सेवा करते हैं तो फिर भगवान के लिए बस नतमस्तक होना उनके लिए क्या कठिन काम है। इसीलिए वो लोग विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान इतने दयालु है कि वो केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव में अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्मों के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियां की रुचि पुरुष से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कोई अधिक प्रभाव उद्दीपक है यह जानकर कुंती देवी ने कृष्ण को भगवान रूप में प्रणाम कर रहा है। हे कृष्ण आपका भगवान आप है। कृष्णाय देवो वसुदेवाय देवो की नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं कृष्णाय भगवान कृष्ण जिन्होंने देव उनके जिसके नाम वासुदेवाय वसुदेव का पुत्र है देवो की नंदनाय देवो की पुत्र है नंद गोप कुमाराय जिन्होंने नंद तथा ग्वाल के पुत्र हो गोविंद आप गोविंद अत मैं उन भगवान का साधन नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाला वृंदावन मन ग्वाल गौ तथा इंद्र के प्राण बनकर आए हैं। ये श्लोक मेरा विश्वास है बहुत भक्त की याद है जिस तरह हम हे कृष्ण को सिंधु प्रणाम करते हैं ये मंत्र से कृष्ण को प्रणाम कर सकते। नम ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण ये मंत्र से कृष्ण का बहुत प्रणाम मंत्र है। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा असुरी लोगों के उपद्रव का शमन करने के लिए अपने उसी महत्व की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण को विशेष रूप से पूजा करते हैं क्योंकि वे इसी रूप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कृष्ण दूसरा दूसरा व्यक्ति से सरल क्यों
अलग अलग अवतार से सरल क्यों? बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। राम अवतार में बसवंशी राजा के पुत्र बने, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी अपने उन्होंने अपने असली माता पिता के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीला के कारण अत्यंत पावन वृंदावन के पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु। एक राजा का पुत्र साथ कौन मिल सकते? रामचंद्र राजा के पुत्र कौन जा सकते राजा के पुत्र पास? लेकिन जो गाय चह रहते हैं उनके पास कोई भी जा सकते, एक गाय भी जा सकते, बसरा भी जा सकते, खुशी कोई भी जा सकते, ग्वाल बाल कौन नहीं मिल सकते? यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में जन्म नहीं लिए होते तो महारानी कुंती उन्होंने अपना भातीजा मानकर इतने वत्सल भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीला का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनके बाल लीला के समान उन कुछ नहीं है जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा सत सामग्री के साथ संग अवतरित हुए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व नौछर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वाल के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौरों के साथ अपनी लीला के कारण गोविंद कहा। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौ के प्रति विशेष सदैव, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गो रक्षा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, जहां इन दोनों का अभाव होता है वह भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं। जब ब्राह्मण का और गाय के सम्मान नहीं है वह भगवान प्रसन्न नहीं। और एक प्रणाम मंत्र है कृष्ण के लिए, कुंती देवी प्रणाम करे, कृष्ण का प्रणाम मंत्र भी आप जिसकी याद नहीं याद कर सकते। नम पंकज नाभाय, नम पंकज मालिनी, नम पंकज नेत्र, नमस्ते पंकज अंग, भगवान के यही जगह कमल की तरह। नम पंकज नाभाय, भगवान के नाभि कमल की तरह, इसलिए पंकज नाभ अर्थात कृष्ण जिसका नाभि कमल की तरह, वो भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमः पंकज मालिनी, मैं पंकज माली, मालिनी अर्थात जो माला धारण करते हैं, पंकज मालिनी अर्थात जो पद्मफूल का माला पहनते हैं, तो मैं वो उन भगवान को प्रणाम कर जिन्हें कमल फूल का माला पहनते। नम पंकज नेत्राय, पंकज नेत्र अर्थात कृष्ण जिसका आग कमल की तरह, पंकज नेत्राय कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्ते पंकज अंग्रये, अंग्री शब्द अर्थात है पेर, इसका पेर भी कमल फूल की तरह है, इसलिए कृष्ण का एक नाम है पंकज अंग्री। तो नमस्ते पंकज अंग्रये, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गाढ़ते हैं, जो सदैव कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवान कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनकी चरण में कमल अंकित है, वह भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिसमें उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह है। भले ही भगवान हमें में से एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शरीर लक्षण के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान के दर्शन कर पाने में
अक्षम मानते हैं क्योंकि वह स्त्री है। ऐसे माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र तथा द्विजबंधु परम सत्व के नाम जश लक्षण रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। जब भी ऐसे व्यक्ति भगवान की लीला को समझने में असमर्थ होते हैं तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। जो उपयुक्त स्त्री शूद्र तथा द्विजय बंधु समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में अशोक ब्रह्मांड में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिसके दिव्य उदर के मध्य के कमल भाग नाभि से कमल नाल अंकुरित होते हैं और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान का पंकज नाभि कहा जाता है। जो पंकज ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्व के बने अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, तथा मन के भीतर बना रूप भगवान को रूप आठ प्रकार से बना है। अब ये करने की कोशिश की कौन सा आठ रूप में। एक मन से बना था मनमाय, मिट्टी से बना था मृतमाय, पार्थिव रूप, धातु रूप में, रत्न रूप में रंग पेंट करके वॉल पर अंकित किया गया इत्यादि सब वर्णनी है। मंत्रमय मंत्र से भी माना सकते। भगवान की इन सारे रूपों को कमल की माला से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाला अभक्तजन का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। धनी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतः भगवान स्त्री और शूद्र तथा द्विजय बंधु पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूप में बने पूजा मंदिर में जाना स्वीकार कर। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसे कि कुछ अल्पोग लोग द्वारा कहा जाता है। कोई अल्पोग लोग बोलता है ये मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक नहीं है वो, मूर्ति स्वयं भगवान। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पगनियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिर का स्थापना की। जो व्यक्ति इस तरह मूर्ति को नहीं मानते हैं हमेशा वो लोग बदमाश नहीं है। वो लोग भगवान को बहुत महान समझते हैं। अरे वो लोग बोलते अरे भगवान इतना महान है आप इतना छोटा मूर्ति बना दिए, उनका भावना अच्छा है। इस तरह नहीं, वो लोग वशील है, उनका भावना अच्छा है। वो लोग सोचते अरे जो भगवान सारे दुनिया का चलाते हैं आप उसको इतना छोटा मूर्ति भी बना दिए, क्यों उसके आंसर किया दिया जाए। तो हम बोले ठीक है फिर वो भगवान का आप देखाओ, फिर आप तो भगवान बहुत बड़ा है हमको देखाओ। हाँ, जो भगवान इतना बड़ा है क्या सारे दुनिया का मालिक है, सारे कुछ कर सकता है, क्या एक छोटे रूप में नहीं आ सकते, इतना बुद्धि नहीं आ सकते। भगवान जब सब कुछ कर सकते हैं एक छोटे रूप में भक्तों के इच्छे से नहीं आ सकते। कोई भक्त भगवान के इतना प्रिय खिलाना चाहता है कि खाने के लिए नहीं आ सकते। भगवान को भक्त देखना चाहते हैं तो क्या भक्त को देखा नहीं चाहते। भगवान के कोई भक्त उनको सुलाना चाहते हैं कि भगवान को उनके उनके बात सुनेंगे नहीं। भगवान का कोई भक्त उनके डांस करना चाहते हैं कि भगवान डांस नहीं कर सकते। ये अल्पज्ञ व्यक्ति को इतना बुद्धि नहीं है कि भगवान सब कुछ कर सकते। वास्तव में शूद्र या स्त्री अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा का अवस्था पार कर दी। किसी को नहीं सोचना चाहिए मैं तो बहुत ज्ञानी आदमी हूँ
मेरा मूर्ति पूजा जरूरत नहीं है, नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः जांग कमर बक्ष तथा मुख तक पहुंचे। ये बहुत विशेष बात है, ये ध्यान ध्यान से ध्यान में रखना। ये भगवान को दर्शन करना विधि है, अचानक भगवान को मुख को नहीं देखना, पहले पैर से दर्शन करना चाहिए। पैर जांग कमर बक्षस्थल अष्टमुख, फिर भी नीचे नीचे फिर चरण, इस तरह भगवान दर्शन करने की विधि है। उसी भगवान के चरण कमल में दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान का मुख दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखें। भगवान को चरण कमल नहीं देखकर मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ये भी कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का शरीर है, पहला और दूसरा स्कंद है भगवान का पैर है, दशम स्कंद हास्यजल मुख है, इसलिए पैर नहीं देखकर मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए पहले पहला दो स्कंद पढ़ना चाहिए, भगवान तभी श्लोक में कहा आते हैं, पहले तो पैर नहीं बोलता है। इसके आंसर क्या है? भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमल से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि उसे भगवान लज्जित होता, अरे बुआ मुझके पैर में प्रणाम कर रहे हैं, लज्जित हो सकते। इसलिए कुंती ने जानबूझ कर ने पैर को पहले बताया, पंकजांगड़े लास्ट में कहा। अतः इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान को चरण कमल के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमल का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। कितना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत। इस तरह जो प्रार्थना है कुंती देवी की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कितना श्लोक प्रणाम मंत्र है, ये कुछ कुछ श्लोक याद करेंगे तो बहुत अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त याद है। नमः पंकज नाभाय, कृष्णाय वासुदेवाय, अलग अलग मंत्र भी, अलग अलग प्रशंसा भी प्रणाम मंत्र है, वो भी कर सकते। और मैं जब अकेला पढ़ रहा हूँ आप लोग भी साथ साथ ये श्लोक पढ़ सकते, क्योंकि बाद में तो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये बार एक बार भागवत पढ़े जीवन में पता नहीं कब फिर पढ़ेंगे। तो जब अभी पढ़ रहा है आपके सामने पुस्तक है, स्क्रीन दिखाई दे, जब श्लोक पढ़ते हैं कम से कम आप पढ़ सकते, कि भागवत पढ़ने का फायदा मिल जाएगा जीवन में। आप सोच भी नहीं सकते जीवन में कब इस तरह धीरे धीरे पूरा भागवत एक बार पढ़े, इसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, शिव कुमार कृष्ण बाबू, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। क्वेश्चन है, वंडरफुल क्या है, ये बस पढ़ती गया है और मेरा हिंदी भी शुद्ध नहीं है। हाँ, भागवत सुंदर है, तात्पर्य सुंदर। The explanation that they are very good, that they are actually, they help us a lot. Question tha ki Krishna ji, Lord Krishna ke pranati mantra tha, lekin Balram ke pranati mantra matlab kabhi maine aisa specific suna nahi kuch, to हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या प्रणति मंत्र बोल सकते हैं अगर रामचंद्र का, बलराम, बलराम जी का महाराज, बलराम का प्रणाम मंत्र है, बलराम का प्रणाम मंत्र है। नमस्तुते हलग्रामो, नमस्ते मुशालयतो, नमस्ते रेवतिकांतो, नमस्ते भक्तवत्सलो, नमस्ते बलिनांग श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरो, पुलाम्बरे नमस्तेस्तु, त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। ये आठ रूप में बलराम कपूर है। नमस्ते तो हलोग्राम हो जिन्हें हल धारण करते, नमस्ते मुशला है उनके हाथ में मुशला, नमस्ते रेवतिकांत उन्हें रेवती का पति है, नमस्ते भक्त वत्सल भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनांग श्रेष्ठ जितना शक्तिशाली व्यक्ति है उनमें से बलराम श्रेष्ठ है, नमस्ते धरणी धारण धरणी के धारण करते।
पुलंबरी नमस्ते थे, पुलंबो असुर का वध किया था इसीलिए उनका नाम पुलंबरी, पुलंबो असुर का उरी पुलंबरी। त्राही नाम कृष्ण पूर्वज, और एक नाम है कृष्ण पूर्वज। लखन का नाम है रामानुज, बलराम का नाम कृष्ण पूर्वज। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी दो प्रश्न थे, जैसे कि अभी हमने सुना और पढ़ा कि भगवान का जो हमको दर्शन मुख से नहीं बल्कि चरण कमलों से करना चाहिए, तो जब मंदिर के पट खोलते या फिर मंदिर में जब हम एंट्री करते डायरेक्ट महाराज जी मुख की तरफ आंखें जाती है चरण के बजाय, तो क्या अपराध है क्या? अपराध नहीं है, भक्त का अलग अलग। एक बार हाँ एक गोपी बोला मैं कृष्ण को पैर देखा, हाथ देखा, ये देखा, और एक गोपी बोला अरे तुम भाग्यशाली है, मैं तो उनका चरण देखा दूसरा जगह देखने ही नहीं पाया, वहां से नजर हट नहीं पाया। तो ये भक्त अलग अलग भाव में। महाराज दूसरा प्रश्न ये है, श्लोक नंबर 22 में जैसे कहा कि श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती थी, तो वो तो जानती थी कुंती महारानी कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है और हमेशा उनके साथ ही रहते थे, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा है कि वो अपने आप को दर्शन कर पाने में वो समझती थी अक्षम मानती थी? भगवान रूप में समझना देखने के बाद नहीं समझता है। दूसरा है माँ यशोदा जिस तरह उनका सेवा करने का मौका मिला कुंती के में मिला कि नहीं होता है, वो सोचते मैं बुआ हूँ, उन्होंने खुद में जन्मदत्त माँ नहीं है, लेकिन फिर माँ यशोदा का जितना भाग्यशाली है नहीं बिंदा के गोपी लोग इस तरह था कृष्ण माँ यशोदा का घर में खाते हैं हमारे घर में नहीं खाते हैं, ये स्वाभाविक सबका मन में भावना आता है भगवान हमारे घर में खाए हमारे सेवा करें। महाराज जी भावना आपके लिए भी आता है कि महाराज जी सभी जगह जाते हैं इधर उधर घर नहीं आते? घर का आदमी है। अरे गंतराज सी मत भगवान जय कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम नरेंद्र हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम महाराज।